हरियाणा के सहकारिता अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में आज पलवल के लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिवाद समिति की बैठक के एजेंडे में पुलिस विकास एवं पंचायत विभाग, आबकारी एवं कराधान तथा समाज कल्याण से संबंधित कुल 14 शिकायतों को शामिल किया गया, जिनमें से 10 शिकायतों का समाधान कर दिया गया, जबकि 4 अन्य शिकायतों के संबंध में अधिकारियों को जांच करने के दिशा निर्देश जारी किए गए। हरियाणा के सहकारिता अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रहे हैं कि किस तरह से किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। केंद्र सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए गन्ने के लाभकारी मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा प्रदेश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें गन्ने का रेट अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है। पलवल शुगर मिल की प्राई क्षमता बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्राई सत्र से पहले शुगर मिल पलवल का निरीक्षण किया जाएगा ताकि प्राई सत्र के दौरान किसानों को कोई परेशानी न उठानी पड़े। पलवल शुगर मिल में पिछले प्राई सत्र के दौरान शुरुआत में कुछ परेशानी हुई, लेकिन समय रहते हुए उसे दूर किया गया और किसानों का पूरा गन्ना खरीदा गया। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को समय पर गन्ने की पेमेंट का भुगतान किया गया है। प्रदेश की शुगर मिल में एथेनॉल प्लांट लगाए जा रहे हैं। एथेनॉल का उत्पादन होने से मिल और किसानों को लाभ होगा। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी किसानों के हित के फैसले लेते हैं और जिस तरह से हमारी सरकार का ये है कि किसानों की आय कैसे दुगनी की जाए, उसी सिलसिले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों का गन्ने का रेट बढ़ाया और हरियाणा में तो पहले ही ज़्यादा दे रहे हैं और जो पलवल की जो शुगर मिल है उसकी जो कैपेसिटी बढ़ाने का काम चल रहा है और अभी मैं एक बार इसका इंस्पेक्शन भी करने जा रहा हूँ कि क्या कुछ हो रहा है तो उसकी जो हमारी मेंटेनेंस के चेक करेंगे मेंटेनेंस कितनी होगी, क्योंकि नवंबर के फर्स्ट वीक में हमने शुगर मिल चलानी है तो इसकी कैपेसिटी का काम चल रहा है और पिछली बार जो शुरुआत में जो दिक्कत आई थी लेकिन पिछले सीजन में कोई दिक्कत पलवल में नहीं आई, आप लोग इस बात के गवाह हैं और किसानों को पेमेंट भी समय से पहले मतलब समय पर मिली है, इससे पहले कभी नहीं मिली, 10 जुलाई 7 से पहले कभी पेमेंट नहीं हुई, हमने किसानों की पेमेंट भी समय पर की है और किराए में भी किसानों को किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आने दी और आगे भी नहीं आने दी। यहाँ पर एक योजना थी एथिलीन का प्लांट, एथेनॉल अभी इस मिल में नहीं है लेकिन अभी आगे जितनी भी मिल हैं सब में हम एथेनॉल का ये प्रोविजन रखेंगे, क्योंकि देश के हमारे गडकरी साहब ने भी कहा कि भाई जो शुगर है शुगर बनाने से जितना ज़्यादा लाभ नहीं होता, अगर हम एथेनॉल बनाएंगे तो उससे हमें ज़्यादा लाभ होता है। मंत्री जी एक सवाल है कि 2 फ्लाईओवर हैं जो हैं मामनीखेड़ा रसूलपुर, पिछले कई सालों से काम बंद है, लोग परेशान हैं, लोगों को कई कई किलोमीटर। देखो ये बात आपको भी पता है कि जितने भी काम हमारे एक डेढ़ साल से कोविड की वजह से सफर हुए हैं इसमें कोई शक नहीं है और उसी के वजह से कोई जब एक बार काम बंद हो जाता है तो उसमें कई दिक्कतें आती हैं और अब स्थिति ठीक हो रही सामान्य हो रही तो जल्दी से काम। लेकिन स्कूलों के बच्चे रेलवे ट्रैक क्रॉस करके स्कूल जा रहे हैं, अगर कल को कोई हादसा हुआ, पहले भी 2 बच्चों की मौत वहाँ पे हो चुकी है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? पता है कि जब विकास होता है तो देखो थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है। आज की मीटिंग कितनी शिकायतें रही, कितनी? आज 14 शिकायतें हैं, थोड़ा दूर रखो ना, 14 शिकायतें थी जिसमें से 2-3 हमने पेंडिंग रखी, बाकी सब उनको डिस्पोज। विधायक के गांव में अवैध कब्जे की बात आई तो राजीनामा करा दिया जाएगा? नहीं तो ये तो विधायक जी कह रहे राजीनामा करवा देंगे, हटा दें, कब्जा हटवा देंगे, ठीक है। काफी पिछले लंबे समय से शिकायतें नहीं सर, क्या लग रहा है मीटिंगों को कोई असर नहीं हो रहा है? अधिकारियों पिछली वाली बात हुई सभी लंबा कहा 2016-2017 कांग्रेस से शिकायतें चली नहीं, वो सीएम विंडो से आई है हमारे पास, 5 शिकायतें सीएम विंडो से आई उसमें। अवैध प्लॉटिंग को लेकर कुछ है सरकार का स्टैंड? क्योंकि पिछली बार भी ये सवाल उठा था कि पलवल में जिस तरह से अवैध प्लॉटिंग हो रही है ग्रामीण इलाके में भी और शहरों में भी, उसके बारे में डिप्टी कमिश्नर साहब से हम जी साहब ये जिस तरह की बता रहे हैं कि कोई अवैध प्लॉटिंग हो रही है तो उस पर कार्रवाई करो, डीटीपी की टीम डीटीपी की कार्रवाई। मंत्री जी
देखो जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी किसानों के हित के फैसले लेते हैं और जिस तरह से हमारी सरकार का ये है कि किसानों की आय कैसे दुगनी की जाए, उसी सिलसिले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों का गन्ने का रेट बढ़ाया और हरियाणा में तो पहले ही ज़्यादा दे रहे हैं और जो पलवल की जो शुगर मिल है उसकी जो कैपेसिटी बढ़ाने का काम चल रहा है और अभी मैं एक बार इसका इंस्पेक्शन भी करने जा रहा हूँ कि क्या कुछ हो रहा है तो उसकी जो हमारी मेंटेनेंस के चेक करेंगे मेंटेनेंस कितनी होगी क्योंकि नवंबर के फर्स्ट वीक में हमने शुगर मिल चलानी है तो इसकी कैपेसिटी का काम चल रहा है और पिछली बार जो शुरुआत में जो दिक्कत आई थी लेकिन पिछले सीजन में कोई दिक्कत पलवल में नहीं आई, आप लोग इस बात के गवाह हैं और किसानों को पेमेंट भी समय से पहले मतलब समय पर मिली है, इससे पहले कभी नहीं मिली, 10 जुलाई साल से पहले कभी पेमेंट नहीं हुई, हमने किसानों की पेमेंट भी समय पर की है और किराए में भी किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी और आगे भी नहीं आने दी। यहाँ पर एक योजना थी एथिलीन का प्लांट, एथनॉल अभी इस मिल में नहीं है लेकिन अभी आगे जितनी भी मिल हैं सब में हम एथनॉल का ये प्रोविजन रखेंगे क्योंकि देश के हमारे गडकरी साहब ने भी कहा कि भाई जो शुगर है शुगर बनाने से जितना ज़्यादा लाभ नहीं होता, अगर हम एथनॉल बनाएंगे तो उससे हमें ज़्यादा लाभ होता है। मंत्री जी एक सवाल है कि दो फ्लाईओवर हैं जो हैं मामनीखेड़ा रसूलपुर, पिछले कई सालों से काम बंद है, लोग परेशान हैं, लोगों को कई कई किलोमीटर। देखो ये बात आपको भी पता है कि जितने भी काम हमारे एक डेढ़ साल से कोविड की वजह से सफर हुए हैं इसमें कोई शक नहीं है और उसी की वजह से कोई जब एक बार काम बंद हो जाता है तो उसमें कई दिक्कतें आती हैं और अब स्थिति ठीक हो रही सामान्य हो रही तो जल्दी से काम। लेकिन स्कूलों के बच्चे रेलवे ट्रैक क्रॉस करके स्कूल जा रहे हैं, अगर कल को कोई हादसा हुआ, पहले भी दो बच्चों की मौत वहाँ पे हो चुकी है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपको भी पता है कि जब विकास होता है तो देखो थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है। आज की मीटिंग कितनी शिकायतें रही, कितनी? आज 14 शिकायतें हैं, थोड़ा दूर रखो ना, 14 शिकायतें थी जिसमें से 2-3 हमने पेंडिंग रखी, बाकी सब को डिस्पोज। विधायक के गांव में अवैध कब्जे की बात आई तो राजीनामा करा दिया जाएगा? नहीं तो ये तो विधायक जी कह रहे राजीनामा करवा देंगे, हटा दें, कब्जे हटवा देंगे, ठीक है। काफी पिछले लंबे समय से शिकायतें नहीं सर, क्या लग रहा मीटिंगों को कोई असर नहीं हो रहा है? अधिकारियों पिछली वाली बात हुई सभी लंबा कहा 2016-2017 शिकायतें चली गई, सीएम विंडो से आई है हमारे पास 5 शिकायतें सीएम विंडो से आई। अवैध प्लॉटिंग को लेकर कुछ है सरकार का स्टैंड? क्योंकि पिछली बार भी ये सवाल उठा था कि पलवल में जिस तरह से अवैध प्लॉटिंग हो रही है ग्रामीण इलाके में भी और शहरों में भी, उसके बारे में डिप्टी कमिश्नर साहब से हम जी साहब ये जिस तरह की बता रहे हैं कोई अवैध प्लॉटिंग हो रही है तो उस पर कार्रवाई करो।